नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से मंच पर जिसका नाम है साथियों डीजे सर क्लासेस। और ऐप पर पढ़ रहे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनका भी मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज अपन कवर करने वाले हैं एक नया चैप्टर। नया चैप्टर जो शुरू होगा उसका नाम रहने वाला है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। दोस्तों, इसको हिंदी में बोला जाता है कथन एवं पूर्व धारणाएं। बात करें इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं सब, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं आपके ग्रुप डी की बात करूं, एनटीपीसी की बात करूं, एएलपी की बात करूं, एसएससी की बात कर लूं या रेलवे की बात कर लूं, सभी एग्जाम के अंदर इस लॉजिकल रीजनिंग में से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन 101% पूछा ही जाता है साथियों। और इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मेरी पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखी है, तो आप प्लीज उसे यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। पिछला जो चैप्टर था अपना, वो था अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आज जो रहने वाला है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये दोनों ही चैप्टर अपने काउंट किए जाते हैं साथियों लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। और अपन करते क्या है, किसी भी क्लास की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है अपना, वो है साथियों विकल्प तो बहुत मिलेंगे अपने को मार्ग भटकने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है सफलता पाने के लिए। साथियों, आई होप आपको आज का मोटिवेशनल कोट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसको हिंदी में बोला जाता है कथन एवं पूर्व धारणाएं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। तो इसी चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कौन सा अजम्पशन आप मानेंगे, कौन सा अजम्पशन आप नहीं मानेंगे, उसके भी कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले उन्हीं पॉइंट्स को लिखने जा रहे हैं। तो साथियों देखिएगा, अगर पहला पॉइंट है, अगर पूर्व धारणा में जैसे निश्चित एकदम 100% सभी प्रबल आदि शब्द आ रहे हों तो वह पूर्व धारणा मान्य नहीं होती है, वह पूर्व धारणा मान्य नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देखिएगा इसका, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सरकारी आदेश या निर्देश, सरकारी आदेश या निर्देश पूर्व धारणा में हो तो वह हमेशा मान्य
होता है। थर्ड पॉइंट देखें इसका, सलाह परामर्श आदि शब्द वाली पूर्व धारणा मान्य होती है। फोर्थ है निषेधात्मक सूचनाएं सामान्य मान्य होती है। निषेधात्मक सूचनाएं सामान्य मान्य होती हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे कि आपने कहीं पब्लिक प्लेसेस पर बातें लिखी हुई देखी होगी, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पर आपने लिखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ पार्किंग करना मना है, आपने देखा होगा ऐसे सूचनाएं लगाई जाती है, या फिर आपने देखा होगा यहाँ थूकना मना है या यहाँ धूम्रपान करना मना है। तो ऐसी जो सूचनाएं होती है वो निषेधात्मक सूचनाएं होती है और वो हमेशा पब्लिक के लिए मान्य होती है। तो मैं वही बताना जा रहा हूँ आपको कि निषेधात्मक सूचनाएं हमेशा मान्य होती है, यानी वो सूचनाएं इसीलिए लिखी जाती है ताकि लोग उसे मानेंगे। पूर्व धारणाएं यानी उन सूचनाओं से आप क्या अजम्पशन कर सकते हैं, यह अजम्पशन कर सकते हैं कि लोग यहाँ धूम्रपान करते होंगे या फिर ऐसी एक्टिविटीज करते होंगे जो सरकार के लिए सही नहीं है। तो यही सोचकर सरकार वहां क्या करती है, ऐसी सूचनाएं लगाती है। तो ये चार कुछ ऐसे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने अजम्पशन में, जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को करने में। अब देखते हैं कि इससे कौन किस किस टाइप से क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है स्टेडियम डीएम में घुसने से पहले यह सूचना अवश्य पड़े। ऐसी आपको स्टेटमेंट यानी कथन दिया गया है। ये क्या है, आपका एक कथन है, ये आपका एक कथन है और इस कथन के रिगार्डिंग आपकी जो मान्यताएं हैं या जो आपका अजम्पशन है वो देख लो, क्या मान्यताएं हैं। पहली मान्यता देखो, पहली मान्यता आपको क्या दी गई है, लोग शिक्षित हैं, पहली मान्यता ये है। दूसरी मान्यता क्या है, दूसरी मान्यता आपकी है कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में नहीं आता है, कोई भी अंधा व्यक्ति नहीं आता है। चलिएगा, अब इस सूचना को पढ़कर या फिर इस कथन को पढ़कर ये अपनी मान्यताएं हैं, इनको अपने को देखना है कि कौन सी मान्यताएं इस सूचना से या इस दिए गए कथन को फॉलो करेगी। चलेगा आइएगा, स्टेडियम में घुसने से पहले सूचना अवश्य पढ़े, तो पहली मान्यता क्या है, लोग शिक्षित हैं। जी हाँ, पहली मान्यता बिल्कुल फॉलो करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि आपको जो सूचना दी गई है वो यही सोचकर दी गई है कि स्टेडियम में आने वाले सभी लोग शिक्षित होंगे और उसे पढ़ सकते हैं। तो पहली मान्यता आपकी क्या होगी, बिल्कुल फॉलो होगी।
और कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में नहीं आता है। आपको ज़्यादा अजम्पशन करनी नहीं है, यानी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी मान्यता, ये भी पूर्व धारणा आप कर सकते हैं। तो दोनों ही पूर्व धारणा आपकी क्या होगी, फॉलो होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो, दोनों पूर्व धारणाएं आपकी फॉलो करेगी। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है अपना, सभी बच्चे कथन है नेक्स्ट, सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, परंतु कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, साथी। यह आपका कथन है, पहला अजम्पशन ये कि इसका पहला अजम्पशन क्या है, पूर्व धारणा। पहली पूर्व धारणा क्या है, पहली आपकी पूर्व धारणा है जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। यह आपका पहली पूर्व धारणा है। दूसरी पूर्व धारणा देखो क्या है, दूसरी पूर्व धारणा है रमेश चॉकलेट पसंद नहीं करता, परंतु वह आइसक्रीम पसंद करता है। स्टेटमेंट आपने देख लिया साथियों, और इसका कॉन्क्लूजन अगर अपन निकालेंगे तो किस प्रकार से इसका कॉन्क्लूजन अपन निकाल सकते हैं, देखिएगा इसका कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा अपना। सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, परंतु कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। आइएगा, सभी बच्चे, जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो सभी बच्चों के अंदर वो बच्चे भी आ जाएंगे जो आपके चॉकलेट पसंद करते हैं। तो पहली आपकी पूर्व धारणा क्या होगी, सही होगी। दूसरा देखिए, रमेश चॉकलेट पसंद नहीं करता परंतु आइसक्रीम पसंद करता है, जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही है आपका। क्यों सही है भाई, क्योंकि परंतु कुछ बच्चे, यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, लेकिन जो बचे हुए वो तो आइसक्रीम तो सभी पसंद करते हैं। जब आइसक्रीम सभी पसंद करते हैं तो क्या मतलब है, रमेश चॉकलेट पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम तो पसंद करता है, तो इससे ये पूर्व धारणा निकाली जा सकती है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा, इस वाले प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा अपना बोथ फॉलो, यानी दोनों ही अजम्पशन अपनी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। दोनों सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किशोर बच्चों के विकास में टेलीविजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। कथन है, किशोर बच्चों के विकास में टेलीविजन का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, यह आपका कथन है। अब इसकी पूर्व धारणा देखो, पूर्व धारणा क्या है अपनी, पहली पूर्व धारणा देखते हैं। टीवी देखने वाले बच्चों पर देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए, ये अपना पहला पूर्व धारणा है। दूसरी पूर्व धारणा क्या है अपनी, दूसरी पूर्व धारणा है किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए। किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए। अब साथियों, ये दो आपकी अजम्पशन हैं, इनको यूज करते हुए आपको क्या करना है, अपनी अजम्पशन आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको देखो, इस वाले प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले तो कथन को पढ़ना पड़ेगा। अपना स्टेटमेंट है, किशोर बच्चों के विकास में टेलीविजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। पहली पूर्व धारणा, टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो भी बच्चे हैं या जो भी किशोर हैं, अगर वो टीवी देख रहे हैं तो उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, माता पिता का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये वाली एजम्पशन आपकी बिल्कुल सही है, किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए। क्या ये पूर्व धारणा आप लगा सकते हैं, अगर उनके माता पिता उनको नियंत्रण नहीं करेंगे तो वो टीवी ही देखेंगे, या अपने मन से वो टीवी देखना बंद कर देंगे? जी नहीं, अपने मन से वो टीवी देखना नहीं बंद करेंगे। तो किशोर बच्चा एक होता है अपना 12 साल से लेकर 18 साल के बीच की जो आयु का जो बच्चा होता है वो किशोर बच्चा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो किशोर बच्चा कहलाता है। अगर वो टीवी की कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए, ये तो अजम्पशन है, नहीं देखनी चाहिए, सलाह दे दी उसको और सलाह दे दी, तो ये वाला अजम्पशन बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अपना जो अजम्पशन मान्य होगा, ये आप कह सकते हैं, ऐसी पूर्व धारणा कर सकते हैं आगे के लिए कि टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता का नियंत्रण होना चाहिए। तो अभी इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा, अभी इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला ओनली फर्स्ट फॉलो, क्या होगा, ओनली केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, केवल पहला अनुसरण करेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपना, यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। इसकी पहली पूर्व धारणा है, सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। दूसरा है, सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं। सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं। चले आइएगा इस वाले प्रश्न का आंसर करते हैं। इस वाले प्रश्न का क्या आंसर होगा? सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन है अपना, यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। बात क्या कही गई है? पहले सबसे पहले बात कही गई है, यदि लोग बुद्धिमान हो। सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। कथन में आपको क्या दी गई है? एक सलाह दी गई है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई सरकारी आदेश हो, कोई विज्ञापन हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कथन दिया जा रहा है तो उनसे रिलेटेड अगर आपको पूर्व धारणा करनी हो तो उसको आप क्या करेंगे? मान्य करेंगे। होना चाहिए तो सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल, सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं। ऐसा तो इसमें बताया नहीं गया है कि सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं। कथन में कहाँ बताया गया है? कथन में तो ये कहा गया है, यदि लोग बुद्धिमान हैं तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। यानी कि सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं साथियों। तो पहला कथन क्या होगा आपका? फॉलो करेगा। लेकिन दूसरे कथन में आपसे बोला गया है कि सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये पूर्व अनुमान या पूर्व धारणा आप नहीं कर सकते। इसमें भी क्या होगा आपका? ओनली, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा आपका, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे, रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे। और इन क्वेश्चन को आप, ये आपकी बुद्धि के ऊपर या आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां तक साथियों सोच पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। जैसे कि करते हैं, कथन है अपना, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। कथन है, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति सिस्टम, पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, अपना
ली है। अब इसमें पूर्वानुमान या पूर्व धारणा देखो, क्या पूर्व धारणा निकल के आती है। पहली जो पूर्व धारणा है अपनी वो है, हो सकता है देश के सभी भागों में उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो, हो सकता है हो सकता है देश के सभी भागों में, हो सकता है देश के सभी भागों में उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। दूसरी पूर्व धारणा देखिए, दूसरी इसकी क्या पूर्व धारणा है, दूसरी पूर्व धारणा है साथियों, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। तो आइएगा इसको करते हैं। अपन सीख रहे हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के अंदर मैंने आपको तीन चार बातें बताई थी, उन तीन चार बातों के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपने को पूर्व धारणा को करना है। तो इस वाले स्टेटमेंट को देखेगा, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ये कथन है। इस कथन को देखते हुए आपको क्या पूर्व धारणा आप कर सकते हैं। पहली पूर्व धारणा देखिए, हो सकता है देश के सभी भागों में उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। तो ये ऐसी पूर्व धारणा आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने, या ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने शिक्षा पद्धति में ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन परीक्षा की कोशिश की है, तो वहां से ऐसी पूर्व धारणा बिल्कुल की जा सकती है। तो पहली पूर्व धारणा भी आप करेंगे। सेकंड वाली पूर्व धारणा देखिए, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन अगर आपकी सिस्टम चालू हुआ है तो वहाँ पर एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा साथियों कि अगर ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ त्रुटियाँ निकल के सामने आती है, और एक तैयारी करने वाला या जो स्टूडेंट्स होता है वो बिल्कुल हताश हो जाता है इन सबसे। तो एक ऑनलाइन सिस्टम जब चालू हुआ तो उसके अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में या ऑनलाइन टेस्ट में एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दूसरा अजम्पशन आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। साथियों ये अपना स्टेटमेंट है और इसी से रिलेटेड अपन ने ये दोनों अजम्पशन की है। तो इसका आंसर आप करेंगे क्या, इसका आंसर होगा यहाँ पर बोथ फॉलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मैं आपसे एक बात लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से कोई भी डाउट हो साथियों, कोई भी परेशानी हो, तो प्लीज़ आप उसे टेस्ट वन पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो डीजे सर क्लासेज ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसके अंदर स्टोर पे जाके आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। वहाँ पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं, लाइक मैथ्स की, जीके की, साइंस की, रीजनिंग की, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं।
तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में किसी नए अध्याय के साथ, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लॉजिकल रीजनिंग अपन पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग अभी चलेगा अपना, अभी लंबा चलने वाला है लॉजिकल रीजनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, बाय।